आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके बटेर के इस तरह से सर से खून निकल रहा है या फिर वो आपस में लड़के एक दूसरे को इस तरह से जख्मी कर दे रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिक आप मुर्गी, टर्की या फिर बटेर या फिर गिनी फॉल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पक्षी प्रजाति के किसी भी बर्ड्स पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा तरह से समझने के लिए और इसका इलाज जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में ही पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे बटेर के सर से खून निकल रहा है और हमने इसे अभी तक रखा हुआ था ताकि आपको दिखा सके कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो बटेर हैं या फिर दुनिया के जितने भी पशु पक्षी होते हैं, उन सभी का एक प्रॉब्लम यह होता है कि उनके नाखून और दांत में ही उनके शिकार करने की क्षमता होती है। ठीक है, काफी नुकीला होता है किसी भी पशु पक्षी का चोंच या फिर दांत या फिर नाखून, क्योंकि ये शिकार करने में मदद करती है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनके चोंच भी हमारे नाखून की तरह ही बढ़ते रहते हैं और ये शिकार करने में इनकी काफी मदद करती है। बट जबकि आप जानते हैं कि ये पिंजरे में पाले जाते हैं या फिर फार्म में, तो इन्हें घर में ही खाना मिल जाता है, तो इन्हें शिकार करने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो इनके चोंच घिस नहीं पाते हैं। ठीक है ना, और इसी के कारण से जैसा कि हमारे दांत में कीड़े लगने के बाद देखिएगा वो परेशान करते रहते हैं, कुटकुट करते रहते हैं, तो इनके भी चोंच इन्हें परेशान करते रहते हैं। तो ऐसे हालात में ये एक दूसरे को ही मारकर जख्मी करते हैं। ये तो हो गया एक कारण। दूसरा कारण ये है कि अगर आप बटेर पालन करते हैं मीट या फिर एग के लिए और आप इनको प्रॉपर फीड नहीं दे पाते हैं या फिर इनकी फीड में किसी भी चीज़ की कमी होती है या फिर इन्हें अपने बॉडी में किसी भी चीज़ की डिफिशेंसी दिखाई देती है, तब भी ये ऐसी हरकतें करती रहती हैं। इसके साथ ही अगर आपके यहाँ पे बर्तन की कमी है, जैसे कि आपको जितने बर्तन रखने चाहिए 100 बर्ड्स के लिए, अगर आप उतने नहीं रख पा रहे हैं या फिर पानी का बर्तन कमी हो रही है या फिर जगह कम पड़ रहा है बर्ड्स के लिए, तब भी ये आपस में लड़ झगड़ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं जिनके कारण इन्हें आपस में ही लड़ना पड़ता है जीने के लिए, और धीरे धीरे आपको आपकी फार्मिंग में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और जख्मी करने के बाद ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ये मर जाते हैं, क्योंकि इनके सर से काफी सारा ब्लड निकल जाता है। तो ये तो हो गया कारण कि आखिर ऐसा होता क्यों, इनके चोंच बढ़ने के कारण इन्हें परेशानी होती है और ये एक दूसरे को मार के ही जख्मी करते हैं और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे हालात में आपको करना चाहिए इन्हें डीबेकिंग। डीबेकिंग आपने मुर्गियों में पहले देखी होगी, बट बटेर में देखना काफी मुश्किल भरा काम है। तो जैसा कि हम लोग एक छोटे मोटे फार्मर होते हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके पास देसी जुगाड़ के ही व्यवस्था होता है, डी बेकिंग मशीन आप परचेस नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको आज देसी जुगाड़ से ही करके दिखाएंगे कि आप इनका इलाज कैसे कर सकते हैं या फिर डी बेकिंग कैसे कर सकते हैं, और ये प्रोसेस आप मुर्गियों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं अपने किचन पे, और जैसा कि आपको देसी जुगाड़ से इनको डी बेकिंग करना दिखाएंगे, जो सबसे आसान तरीका है। तो देखिए, ये हमने फ्लेम को तेज कर दिया है, यहाँ आग जल रही है, और ये हमने किसी भी एक मोटी चीज को इस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। जब ये प्रॉपर तरीके से हीट हो जाएगी और उसके बाद हम इन्हें डीबेकिंग करेंगे। ऑलरेडी हमने इन्हें नाखून जो काटते हैं उससे हमने काट दिया था, इनके जो नोखीले हिस्से होते हैं, आप बटेर के देखिए यहाँ पे ये जो बटेर है इसके अगर आप चोंच पे हाथ देंगे ना, तो क्या होता है कि यहाँ एक नोखीला सा हिस्सा आपको दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ पे एक नोखीला सा हिस्सा दिखेगा, तो इसे हमने काट दिया था। बट दिक्कत ये हुआ कि इसके बाद भी इसको सही से कटा नहीं था, क्योंकि आप इस तरह अगर करें इमरजेंसी में कि नाखून कटर से काट देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा भी अपडाउन होता है ना तो ब्लीडिंग चालू हो जाता है। ठीक है, और इसी चलते हमने थोड़ा सा काटा था, बट ये एक दूसरे को सर फोड़ चुके हैं बहुत सारे, और ये हमने उन बर्ड्स को लाया है यहाँ पे इलाज करने के लिए जिन्होंने अभी तक एक दूसरे का सर नहीं फोड़ा है, मतलब ये फोड़ने वाली हैं। ठीक है ना, तो वो सामने वाला हिस्सा तो हमने काट दिया था, बट ज्यादा नहीं काट सकते क्योंकि ब्लीडिंग आने लगेगा तो इनकी मौत हो सकती है। और इस तरह आग में सेकने से क्या होगा कि ये किसी भी हालात में ब्लड नहीं निकलेंगे, मतलब ब्लड निकल के उसी में वापस से दब जाएंगे। ओके, तो
तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी ये जो तवा है ये गर्म हो चुकी है, तो अब इन्हें क्या करना है, एक एक करके पिंजरे से ध्यान से निकालना है और ये चोंच को इस तरह पकड़ के, देखिए कैमरा सामने दिखाइए भाई, और इस तरह इसे यहाँ पे घिस देना है। देखिए घिसते ही यहाँ पे आपको ये जल जाएगी इनकी चोंच, और यही कंडीशन चाहिए हमें ताकि ये वापस से किसी को मार ना पाए। और ये हम आपको एक बार और दिखा रहे हैं, तो ध्यान से देख लीजिए कि आपको इन्हें पैर को पीछे रखना है, पंख को पकड़ लेना है सही से ताकि ये अपने आप को जला ना पाए। और यहाँ पे जबकि गैस तेज है तो मेरे भाई थोड़ा सही से दिखाना इस बार, ये देखिए इस तरह गर्दन पकड़ना है आपको और इस तरह से घस देना है थोड़ा सा ताकि इनके चोंच यहाँ पे जल सके। देखिए जब तक धुआं ना फेंके तब तक इनका चोंच नहीं जला है, देखिए आप देख सकते हैं हमारे कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इस तरह करके आपको जला देना है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको दिखा दिया कि कैसे आपको डीबेकिंग करना चाहिए देसी जुगाड़ से, अब मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ इसे कर देने से ही आपका झमेला खत्म नहीं हो जाता है। तो आपको इसके बाद करना यह है कि इनको क्रोटीन एक्स के नामक एक दवा आता है जिसमें विटामिन के होता है, इस दवा का आपको इस्तेमाल करना है लगभग 4 से 5 दिनों तक पानी के माध्यम से, ठीक है ना। और अगर किसी कारण से आपको क्रोटीन एक्स के नहीं मिल पा रहा है तो विटामिन के, कोई भी विटामिन के आपको लेना है और इस पर इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, इनका जो स्ट्रेस है या फिर जो चोंच जलने से इनकी कमी हुई है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और यहीं पे खत्म नहीं होता, देखिए ये जो बटेर आपको दिख रहा है भाई, मेरे कैमरा थोड़ा सामने दिखाओ, ये जो देखिए आप देख रहे जख्म, तो इस जख्म पे ही आपको इलाज करना है, नहीं तो अभी भी ये आपस में जब तक ये ब्लड दिखेगा ये एक दूसरे को परेशान करते रहेंगे। तो आपको इसका इलाज ये करना है कि इस पे किसी भी, अभी तो पाउडर वाला हल्दी मिलता नहीं है मार्केट में, और मिलता है तो मिलावट वाला, तो किसी भी ब्रांडेड कंपनी का पाउडर हल्दी जो कि आपको यहाँ दिखाइए भाई, ये जो ब्रांडेड कंपनी का है इसमें रखा हुआ है, तो इस पाउडर हल्दी का आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए ये हल्दी पाउडर हमने नीचे रख दिया है क्योंकि वो खाने वाली हल्दी है तो हम नीचे रख दिए हैं। और देखिए इसका जो यहाँ भी ब्लीडिंग वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आपको इसे घस देना है, इससे होगा क्या कि वो बटेर को दिखेगा नहीं तो ये कुछ ही दिनों में सूख जाएंगे और ये एक दूसरे को चोंच नहीं मारेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसी कारण से हमने यहाँ पे हल्दी लगा दिया है, तो ये एक को लगाया, आपको दूसरे को भी लगा के दिखा देते हैं। ये अगर आप हल्दी नहीं लगाएंगे तो ये ब्लड दिखेंगे जब तक, तब तक ये एक दूसरे को मारते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसे हमने रख दिया पिंजरे में, और ये दूसरा वाले को जो कि पूरा सर पे जख्म है, ये देखिए ये भी देखिए इसका भी जख्म कितना भयंकर हुआ है, ठीक है ना। आपको दिखाने के लिए इसको रख दिए थे हम, और अब इस पर भी हम लोग हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये आपस में फिर से लड़के एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे और इनकी मोर्टलिटी बढ़ती जाएगी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का फार्मिंग से रिलेटेड हेल्प सलाह के लिए, और साथ में ही जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, जय हिंद जय भारत।